हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं विशाल, सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिलने में आपको जरा से भी देरी ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली कोर्ट की 73 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पोस्ट के बारे में, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में तो जान ही पाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म है। 7 मार्च इसके लिए लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए अगर बात करें लास्ट डेट की, 7 मार्च जैसा कि हम बता चुके हैं, टोटल वैकेंसी 73 रहेगी। ऑनलाइन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ये तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों इसके लिए बात करें तो कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट में ये जॉब है, अच्छी बात है दिल्ली हाईकोर्ट में जॉब लग जाना। ओके दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सरकारी नौकरी है। क्वालिफिकेशन बी बैचलर ऑफ आर्ट डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाला, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसके लिए बात करें इंपॉर्टेंट डेट में, तो 15 फरवरी को एप्लीकेशन बिगिन हुई, लास्ट डेट रहेगी 7 मार्च। लास्ट डेट ऑफ पे एप्लीकेशन फीस वो भी रहेगी 7 मार्च। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये रहेगी, और अगर बात करें इसके लिए SC ST फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन के लिए 150 रुपये रहेगी। ऑनलाइन मोड पर आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए अगर बात करें दोस्तों वैकेंसी डिटेल में, तो इसके लिए सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर और जुडिशियल ट्रांसलेटर की पोस्ट है। ओके दोस्तों, तो टोटल नंबर पोस्ट 73 के अप्रॉक्स अराउंड ऑफ है, तो आप ठीक ठाक पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। ओके दोस्तों, आगे बढ़ के हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। मिनिमम एज 18 साल रहेगी दोस्तों, और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो 3 साल का OBC को, 5 साल का SC ST को, फिजिकली हैंडीकैप को 10 साल का मिल जाएगा। सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पर होगा। दोस्तों ये बात हुई वैकेंसी की, अब बात करें इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिए लिंक मिलेगी, वहां पर जाकर आप इसके बारे में डिटेल में जान पाएंगे और इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।